दोस्तों ये साइन BS6 है। इस गाड़ी के अंदर कभी अगर चाबी स्विच खराब होता है, इग्निशन स्विच, तो मैकेनिक भाई को डायरेक्ट करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है, क्योंकि BS6 गाड़ी है और चार वायर है। पहला दो वायर में था तो दो वायर को कैसा एक यहाँ से ले लिए, एक यहाँ से ले लिए, लगा दिए, डायरेक्ट हो गया, तो सब मैकेनिक भाई कर लेते थे। अभी चार वायर होने के हिसाब से तकलीफ है, तो डायरेक्ट कैसा करने का वो मैकेनिक भाई को समझ में नहीं आता, तो वो आप लोगों को डायरेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। ये गाड़ी चालू है, गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों ये वायर के अंदर करंट आता है, ये अर्थिंग जरा पकड़ो, अर्थिंग एक एक काले वायर में है, इसमें करंट नहीं आता है, ठीक है। और इसके बाजू में काले पे ब्लू है, इसके अंदर भी करंट नहीं आता है। करंट आता है दोनों लाल पे काला है, उसी के अंदर आता है। इसके अंदर लगाया बल्ब जल रहा है, वापस इसके अंदर लगाया बल्ब जल रहा है। कभी बात डायरेक्ट करने की आती है या चाबी स्विच खराब है, अपने को समझ में नहीं आता है, और कहीं कहीं पे चाबी स्विच मिलता भी नहीं है, तो उस टाइम के लिए क्या करने का, कभी भी अगर आप लोगों को डायरेक्ट करना है तो एक वायर इसके अंदर डाल देने का, जो काले रेड पे काला है, और दूसरा वायर है ये ब्लैक वाले में डाल देने का इधर, ठीक है। और दूसरा एक वायर और लेने का, उस वायर को ये वाले के अंदर डाल देने का, काले पे लाल है अभी और ये ब्लू पे काला है, इसको यहाँ पे डाल दिए। ये चारों वायर शायद आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी, ये गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। तो इसी स्टेप में आप चाबी को डायरेक्ट कर सकते हैं, कभी भी अगर ऐसा रहा कि कभी नहीं मिला और डायरेक्ट करना है, चेक करना है, तो कैसा करने का, तो वापस एक बार कलर दिखा दिया आप लोगों को। ये ब्लैक पे रेड है और दूसरा ब्लैक है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर देने का। ये वायर को यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, और दूसरा वायर है ब्लैक पे रेड पे ब्लैक है और ब्लैक पे ब्लू है, इस वायर को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो आप लोगों का ये काम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।